आइए बच्चों अब स्टार्ट करते हैं कुछ ट्रिक्स के साथ, है ना। अब हम क्या करेंगे बेटा, जो कंपोनेंट्स हमने सीखे ना बेटा, वो बहुत ही कमाल की चीज साबित हो सकती है अगर हम उसको एडिशन ऑफ वेक्टर्स में यूज करें। तो आइए कुछ ट्रिक्स के साथ स्टार्ट करते हैं। हालांकि ये बहुत ही नॉर्मल चीज है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, पर अगर आप सीख जाएंगे तो टाइम बहुत ज्यादा बच जाया करेगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एक बार कॉम्पोनेंट्स रिवाइज करा देता हूं मैं आपको बेटा। अगर ये कोई वेक्टर है, लेट से दिस इज वेक्टर ए, दिस इज वेक्टर ए, है ना, और ये सपोज कर लो ये x एक्सिस है और ये सपोज कर लो ये y एक्सिस है। तो बेटा दिस वेक्टर कैन बी रिटन एज दिस वेक्टर प्लस दिस वेक्टर, या कह सकते हैं दिस वेक्टर प्लस, क्योंकि ये तो एक ही बात हो गई ना, ये वाला वेक्टर और ये वाला वेक्टर तो वही है, सेम सेम डायरेक्शन सेम मैग्नीट्यूड, तो सेम वेक्टर। तो ये x कंपोनेंट हो गया वेक्टर का, क्योंकि ये a वेक्टर जो है, ये ax वेक्टर प्लस ay वेक्टर बन गया ना, ये दो वेक्टर के एडिशन से बन रहा है ना, ये जो वेक्टर है ax वेक्टर प्लस ay वेक्टर। अरे आया नहीं आया? अरे भाई लोग समझने की कोशिश करेंगे, a वेक्टर क्या बनेगा, ax वेक्टर प्लस ay वेक्टर। तो ये दो वेक्टर के एडिशन से मिलके बन रहा है तीसरा वेक्टर, विच इज ए वेक्टर, और ए वेक्टर को हम क्या बोलेंगे, एडिशन ऑफ दीज टू वेक्टर। और अगर ए वेक्टर इन दो वेक्टर्स का सम है, अगर ए वेक्टर इन दो वेक्टर्स का सम है, इसका मतलब ए वेक्टर जो होगा, अगर ए वेक्टर इन दो वेक्टर का सम है, तो इसका मतलब जैसे एक साइकिल इज इक्वल्स टू वन हैंडल प्लस टू टायर प्लस टू पेयर ऑफ ब्रेक्स, है ना। तो बेटा ये जो चीजें हैं, जो वन साइकिल इक्वल टू दिस प्लस दिस प्लस दिस, वो क्या है, इसके कंपोनेंट्स, वो क्या है उसके कंपोनेंट्स, ए वेक्टर ये प्लस ये है, तो ये क्या हो गया इसके कंपोनेंट्स, क्या हो गए बेटा कंपोनेंट्स, है ना। तो ax जिसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, ax का मैग्नीट्यूड क्या आएगा प्यारे बच्चों, ax का मैग्नीट्यूड आएगा a cos थीटा, क्या आएगा a cos थीटा। और ay का मैग्नीट्यूड बेटा क्या होगा, ay का मैग्नीट्यूड होगा हाइपोटेन्यूस sin थीटा परपेंडिकुलर a sin थीटा। यार ये समझ में आना चाहिए फटाक से, है ना, a sin थीटा, है ना। तो प्यारे बच्चों मैंने आपको बताया ax का मैग्नीट्यूड हो जाएगा a cos थीटा, ay का मैग्नीट्यूड a sin थीटा। अच्छा सपोज करो कि xy एक्सिस ऐसी ले ले कोई, है ना, कोई ऐसी ले भैया, मैंने आपको पहले ही बताया था अगर ये टेढ़ी हो, अगर ये टेढ़ी कोई अगर ऐसा कोऑर्डिनेट दे देगा तो भी बेटा ये है हमारा कोऑर्डिनेट सिस्टम, मैं अगर ऐसे खड़ा हो जाऊंगा तो भी प्रदीप सर ही रहूंगा। अरे आया कि नहीं आया? तो बेटा प्यारे बच्चों आइए देखेंगे, ये बेटा ए वेक्टर है, ये ए वेक्टर है, ये कॉस, ये थीटा एंगल है। तो बेटा यहां पर भी मैं क्या बोलूंगा, ये वेक्टर प्लस ये वेक्टर इज ए वेक्टर, तो ये ए एक्स वेक्टर हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, ए वाई वेक्टर। तो प्यारे बच्चों ये ए एक्स वेक्टर है और ए एक्स क्या हो जाएगा, ए कॉस थीटा, फिर से वही हाइपोटेन्यूस कॉस थीटा बेस हाइपोटेन्यूस साइन थीटा परपेंडिकुलर। तो बेटा a cos थीटा a sin थीटा फटाफट आना चाहिए, a cos थीटा a sin थीटा फटाफट आना चाहिए, अगर ये जल्दी जल्दी आ गया तो काम बन जाएगा, है ना, आधा काम तो डन। लेकिन कंपोनेंट्स के बारे में मैं आपको एक चीज बताना चाह रहा हूं, ये जो a वेक्टर आपने लिखा है, क्या ये वेक्टर प्लस ये वेक्टर प्लस ये वेक्टर a वेक्टर है या नहीं, बिल्कुल a वेक्टर है। क्यों, आदमी पहले इधर गया फिर इधर गया फिर इधर गया, तो अगर मान लो ये वेक्टर है p वेक्टर, ये q वेक्टर, ये r वेक्टर, तो ये p q r क्या कंपोनेंट ऑफ, तो एक वेक्टर के कितने कंपोनेंट्स हो सकते हैं मैक्सिमम, क्या हम ऐसे नहीं जा सकते s वेक्टर प्लस t वेक्टर प्लस u वेक्टर प्लस z वेक्टर प्लस g वेक्टर प्लस h वेक्टर, तो भी तो ये है, घूम फिर के आए तो वही डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, यहां से यहां पहुंच गया यही है। तो एक वेक्टर के कंपोनेंट कितने हो सकते हैं, इनफाइनाइट, कितने हो सकते हैं मैक्सिमम, कितने हो सकते हैं इनफाइनाइट, है ना। पर बेटा हमको ना, हमको अभी जो सीखना है, मतलब अगर कोई मतलब मेरे को क्वेश्चन पूछेगा नॉलेज के लिए कि भाई कितने कंपोनेंट्स ब्रेक कर सकते हैं वेक्टर को, तो इनफाइनाइट है ना मैक्सिमम। लेकिन अगर कोई कहेगा दो कंपोनेंट्स बताओ x एक्सिस के अलोंग y एक्सिस के अलोंग, तो फटाक से बोलना आना चाहिए a cos थीटा a sin थीटा, a cos थीटा a sin थीटा, ठीक है, ये जल्दी से हमको बोलना आना चाहिए a cos थीटा और a sin थीटा। अब बेटा मैं आपको ये सिखाना चाहता हूं कि इसको हम यूज कैसे करेंगे, जब मेरे को प्रॉब्लम सॉल्विंग में इसको यूज करना हो तो हम कैसे यूज करेंगे। आइए बेटा देखते हैं कि किस कंडीशन में मैं वो जो कंपोनेंट्स वाली टेक्निक है एडिशन में यूज कर सकता हूं। बेटा देखो जैसे यहां पर है, यहां पर दो वेक्टर के मैग्नीट्यूड अलग अलग है, तो बेटा जो रिजल्टेंट जाता है वो बीचों बीच से नहीं जाएगा, ये एंगल आपको दिख सकता है छोटा है और ये एंगल दिख सकता है आपको बड़ा है, बहुत इजीली विजिबल है ना, ऐसा क्वेश्चन भी हम कर चुके हैं असाइनमेंट में। अब देखो प्यारे बच्चों यहां जो है, यहां पर दोनों अगर मान लो पी वेक्टर और क्यू वेक्टर दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर हो तो रिजल्टेंट जो जाएगा बिल्कुल बीचों बीच से जाएगा, क्योंकि ये जो पैरेललोग्राम है ये रोम्बस बन गया, और जो डायगोनल होता है रोम्बस में वो क्या करता है बेटा, बाइसेक्ट करता है एंगल को, वो क्या करता है
डाइसेक्ट करता है एंगल को, दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देता है बेटा। रोम्बस में जो डायगोनल होता है वो एंगल को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है, आप फील कर सकते हैं। यहां पर जो बड़ा है उसकी तरफ झुका हुआ है। अब बेटा अगर दोनों बराबर हो तो दोनों की तरफ बराबर झुकेगा रिजल्टेंट, ये दोनों का एडिशन। अब दोनों, अब इसका जो मैग्नीट्यूड आएगा, पहले मैं फॉर्मूले से बताता हूं फिर आपको कंपोनेंट की टेक्निक से बता दूंगा। तो बेटा फॉर्मूले से क्या बोलूंगा, फॉर्मूले से तो बोलूंगा अंडर रूट ऑफ रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड क्या होगा बेटा, अंडर रूट ऑफ पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस टू पी क्यू कॉस थीटा। तो पी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर प्लस टू पी पी कॉस थीटा, तो ये क्या हो जाएगा बेटा टू पी स्क्वायर और ये टू पी स्क्वायर कॉस थीटा। तो टू पी स्क्वायर वन प्लस कॉस थीटा। अब 1 प्लस cos थीटा बेटा मैं ट्रिग्नोमेट्री में आपको सिखा चुका हूं, अपने को याद रखना होगा 1 प्लस cos थीटा इज 2 cos स्क्वायर थीटा बाय 2, 1 प्लस cos थीटा इज 2 cos स्क्वायर थीटा बाय 2, 1 माइनस cos थीटा इज 2 sin स्क्वायर थीटा बाय 2, 1 माइनस cos थीटा इज 2 sin स्क्वायर थीटा बाय 2। तो ये बेटा ये 2 cos स्क्वायर थीटा बाय 2 है, तो ये क्या बन के आ जाएगा प्यारे बच्चों, 4 p स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा बाय 2 है ना, that is equal to 2p cos theta by 2, that is equal to 2p cos theta by 2। अब बेटा ये जो मशक्कत करके आ रहे ना आपके पास, अभी तो दो ही वेक्टर है, सोच के देखो अगर ज्यादा वेक्टर होंगे तो बेटा ये ना मशक्कत ज्यादा हो जाएगी। अब देखो इसको अगर मैं अपने मेथड से करूं जो मैंने आपको कंपोनेंट्स वाला सिखा रहा था, इसी को x एक्सिस मान लू ठीक है, और ये हो गई y एक्सिस परपेंडिकुलर। अब बेटा जो q के मतलब जो q वेक्टर है इसका मैग्नीट्यूड तो p है, तो इसके दो कंपोनेंट आ सकते हैं, ये वेक्टर प्लस ये वेक्टर ठीक है, मतलब एक हो जाएगा p cos थीटा बाय 2। अब बेटा अगर एंगल बेटा तब थीटा था तो a cos थीटा और a sin थीटा कंपोनेंट आए थे, अब अगर थीटा बाय 2 तो कहेंगे q cos थीटा बाय 2 और q sin थीटा बाय 2, क्या कहेंगे q cos थीटा बाय सॉरी यहां पर q का मैग्नीट्यूड p है तो p cos थीटा बाय 2 और p sin थीटा बाय 2, तो ये वाला कंपोनेंट तो p cos थीटा बाय 2 हो जाएगा, और ये जी वाला कंपोनेंट इसको यहां पर भी बना सकता हूं क्योंकि ये वेक्टर और ये वेक्टर तो सेम है, और ये हो जाएगा पी साइन थीटा बाय 2, और इसके भी बेटा ऐसे दो कंपोनेंट ले सकते हैं पी कॉस थीटा बाय 2 और पी साइन थीटा बाय 2, और ये पी साइन थीटा बाय 2 और ये पी साइन थीटा बाय 2 तो कट जाएंगे, और ये पी कॉस थीटा बाय 2 2 पी कॉस थीटा बाय 2 दो बार जुड़ के क्या हो जाएंगे 2 पी कॉस थीटा बाय 2। अगर आप ध्यान से देखना बेटा ये बहुत ही आसान पड़ेगा, आप सोच के भी देखें अगर आपकी मम्मी अगर आपके दोनों कान पकड़ के ऐसे खींचे तो आप बेटा कैसे चलेंगे, इधर को जाएंगे इधर को या बीच में, बिल्कुल बीच में। तो बेटा दोनों फोर्स का जो रिजल्टेंट आएगा अगर इक्वल मैग्नीट्यूड के अगर आपकी मम्मी आपके कान पकड़ के ऐसे खींचेंगे तो आप ऐसे बीच में आ जाओगे है ना, तो बेटा बिल्कुल बीचों बीच से चलोगे फिर आप है ना। तो बेटा ऐसे अगर फोर्स आ रहे एक इधर और एक इधर है ना, अब ये फोर्स आ रहे तो f cos थीटा जुड़ जाएंगे और f sin थीटा उड़ जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे, आया कि नहीं आया बेटा। अगर इस तरीके से फोर्स आए ना तो f cos थीटा अब ये सॉरी थीटा बाय 2 है, f cos थीटा बाय 2 जुड़ जाएंगे और f sin थीटा बाय 2 उड़ जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। बेटा मैं आपको समझाना चाह रहा हूं एक बार फिर से देखें बेटा, अगर ये एक वेक्टर है ना, और मान लो उतने एंगल पे दूसरा है, ये टोटल थीटा, तो ये थीटा बाय 2 हो गया। मैं बेटा प्यारे बच्चों आपको ये समझा रहा हूं, ये फोर्स वेक्टर हो डिस्प्लेसमेंट हो कुछ भी हो, f cos थीटा बाय 2 इधर को कंपोनेंट आएगा, f sin थीटा बाय 2 इधर को आएगा, तो बर्बाद हो जाएगा, क्यों, क्योंकि f cos थीटा बाय 2 ये तो दोनों सेम डायरेक्शन में जुड़ जाएंगे और f sin थीटा बाय 2 बेटा अपोजिट डायरेक्शन में उड़ जाएंगे। तो दो वेक्टर अगर जिनके बीच में एंगल थीटा हो दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर हो तो रिजल्टेंट आता है 2p cos थीटा बाय 2, रिजल्टेंट कितना आता है 2p cos थीटा बाय 2, इसको ध्यान से समझ लीजिए। अभी भारी भरकम सवाल कराऊंगा ऐसे एक लाइन में है ना, लेकिन अगर ये समझ में आएगा तो बेटा आपको मैंने क्या सिखा दिया 2p cos थीटा बाय 2। बेटा ये जो सिखाना क्या चाह रहा हूं बेटा मैं आपको, जो अगर दो वेक्टर है दोनों का मैग्नीट्यूड p है बीच में एंगल थीटा है तो रिजल्टेंट होगा 2p cos थीटा बाय 2, 2p cos थीटा बाय 2, 2p cos थीटा बाय 2। तो बेटा वही ट्रिक के साथ आगे कंटिन्यू करते हैं बेटा, यहां पर अब मैंने क्या लिया दो वेक्टर्स हैं f f बीच में एंगल 90 है तो रिजल्टेंट क्या आएगा, वैसे तो देखो बेटा आप जानते हो ये f है ये भी f है तो ये क्या आएगा f root 2, पाइथागोरस चाचा की थ्योरम लगनी भाई f root 2,
नहीं तो अगर आप अपनी टेक्निक से देखें जो हमने अभी सीखी, 2f cos theta by 2, cos 90 by 2, cos 45, जो कि क्या है 1 by root 2, तो 2 by root 2 क्या हो जाएगा, root 2, f root 2, इसमें क्या आएगा, 120 degree है, 120 degree है, तो क्या आएगा, बेटा वैसे तो सिखा ही चुका था, अगर दो वेक्टर्स बराबर मैग्नीट्यूड के हों, बीच में एंगल 120 हो, तो रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड भी उनके बराबर ही होता है, आया, बेटा कैसे समझ सकते हैं, f इधर गए, फिर f इधर गए, है ना, ये 120 घूम के इधर गए, है ना, तो बेटा ये हो गया 60 डिग्री एंगल, और हम जानते हैं बेटा इस केस में तो बाइसेक्ट करता है ये एंगल को, रिजल्टेंट जब बराबर होते हैं तो ये भी 60 हो गया इसका मतलब, और अगर ये 60 तो ये भी 60, तो रिजल्टेंट तो f ही आएगा, रिजल्टेंट तो f ही आएगा, रिजल्टेंट तो f ही आएगा, और बेटा फॉर्मूले से देखें तो क्या होगा, 2f cos थीटा / 2, 120 / 2 बेटा कितना हो जाएगा, 60, cos 60 क्या होता है, हाफ, 2 की झंड हो जाएगी, f आंसर आ जाएगा। तो बेटा अगर दो फोर्सेस होंगे, दो वेक्टर होंगे, बीच में एंगल 120 अगर होगा तो रिजल्टेंट क्या आएगा, बेटा अगर दोनों f f है तो रिजल्टेंट भी f आएगा, एडिशन भी उनका f आएगा, है ना, और अगर आपको लगे नहीं ऐसे नहीं, है ना बेटा, ये आपको ना मतलब जो आपको चीजें याद रहनी चाहिए, एफ एफ का एफ रूट टू याद रहना चाहिए, एफ एफ का एफ याद रहना चाहिए, 120 डिग्री एंगल पे, 60 डिग्री एंगल पे बेटा क्या आएगा, 2f, बेटा आप फटाक से ही बनाइए, अगर मजा तो तब है जब आप कंपोनेंट फटाक से देखें, f cos 30, f cos 30, 2f cos 30 खत्म, क्योंकि f sin 30 कट जाएंगे, x एक्सिस इधर ले लो, कंपोनेंट लो, f cos 30 जुड़ जाएंगे, f sin 30 उड़ जाएंगे, तो 2f, तो बेटा यहां क्या है, 60 डिग्री एंगल है, 2f cos 30, 2f cos 30, f cos 30, बेटा मैंने अभी आपको समझा चुका हूं कई बार ये, कि बेटा ये 60 है, दोनों का जो रिजल्टेंट आएगा ff का, क्योंकि ये बराबर है, तो बिल्कुल बीचों बीच आएगा 30 पे, तो f cos 30 जुड़ जाएंगे, और f sin 30 उड़ जाएंगे, बेटा a cos theta, a sin theta कंपोनेंट सिखाए थे या नहीं सिखाए थे, बिल्कुल सिखाए थे सर, तो 2f cos 30 जुड़ जाएंगे, तो 2f cos 30 क्या हो गया, root 3 by 2, गुस्से में आके काट देंगे f root 3, तो बेटा अभी तक बेटा क्या क्या सीख लिया, अगर 90 होगा तो f root 2, 120 होगा तो f, 60 होगा तो f root 3, और 180 होगा तो बेटा 0 ही आएगा, और इसमें भी अगर फॉर्मूला लगाना चाहते हो लगाओ, 2f cos theta by 2, बीच में एंगल क्या 180, अब 180 by 2 बेटा कितना आएगा, 90, और cos 90 की वैल्यू क्या होती है, 7.91, कितनी होती है बोलो, 7.91, बेटा गलत है, 0 होती है ना, तो ये 0 है, तो बेटा आना ही था 0, तो बेटा क्या क्या याद रखना पड़ेगा, याद रखना पड़ेगा ff का f root 2, याद रखना पड़ेगा ff का f 120 डिग्री पे, याद रखना पड़ेगा ff का f root 3, जब 60 डिग्री एंगल है 180 है तो 0, बेटा सोच भी सकते हैं 2f cos theta by 2 केवल f f ऐसे लग रहे हैं, थीटा बीच में एंगल है, f cos theta by 2, f cos theta by 2 जुड़ जाएंगे, f sin theta by 2, f sin theta by 2 उड़ जाएंगे, तो 2f cos theta by 2 is the resultant, 2f cos theta by 2 is the resultant, क्या resultant आएगा, बोले बोले theta का एंगल है, दो वेक्टर्स हैं f मैग्नीट्यूड के, तो क्या होगा 2f cos theta by 2, p मैग्नीट्यूड के तो 2p cos theta by 2, a मैग्नीट्यूड के तो 2a cos theta by 2, अच्छा अगर एंगल थीटा के बदले अल्फा हुआ तो बेहोश हो जाएंगे, तो क्या हो जाएगा, बेहोश हो जाएंगे, तो बेटा देखिए यहां पर क्या है, दो फोर्सेस का एडिशन का मेरे को मैग्नीट्यूड बताना है, दो फोर्स को ऐड करना है प्यारे बच्चों, एडिशन ऑफ दीस टू फोर्सेस ऑफ मैग्नीट्यूड f एंड 2f व्हिच आर एक्टिंग एट एन एंगल 120 डिग्री, तो कैसे मैं ट्रिक यूज करूंगा जो मैंने आपको अभी तक सिखाने की कोशिश करी, बेटा ये 2f को लिख दूंगा f plus f, 2f को क्या लिखूंगा प्यारे बच्चों, f plus f आया, ठीक है, अब बेटा आप तो क्या हो गए, देखो तीन फोर्स हो गए, f f और f, तो पहले इन दोनों को ऐड कर दो, ये वाले को और ये वाले को, जो 120 डिग्री एंगल पे हैं और दोनों के मैग्नीट्यूड f है, तो उन दोनों का मिलके रिजल्टेंट क्या है, इन दोनों को हटा के मैं क्या कह सकता हूं, खाली f इधर को आ जाएगा 60 डिग्री, बेटा यही तो समझाया था, जब दो वेक्टर्स बराबर मैग्नीट्यूड के होते तो रिजल्टेंट बिल्कुल बीचों बीच से आता है, जब दो वेक्टर बराबर मैग्नीट्यूड के होते तो रिजल्टेंट बिल्कुल बीचों बीच से आता है, 60 डिग्री से आएगा और मैग्नीट्यूड भी बराबर आता है उन दोनों के, ठीक है, तो बेटा ये f आ गया, अब उसके बाद क्या बचा, एक ये बचा है और एक ये वाला बचा, क्योंकि इन दोनों को तो जोड़ दिया, अब इस दो इन दो को तीसरे के साथ जोड़, अरे भाई 1 + 2 + 3 करना, तो 1 2 3 और 3 3 6, पहले 1 और 2 को जोड़ दिया, अब 1 2 के एडिशन को 3 के साथ जोड़ना है, है ना, तो बेटा ये f और f अब दो रह गए 60 डिग्री एंगल पे, तो रिजल्टेंट क्या आएगा, 2f cos 30, 2f cos 30, बोलो आया आया,
यस सर, बहुत शानदार। अब इस केस में क्या था, f root 3। बेटा याद रहना चाहिए बेटा, 60 डिग्री पे f cos 30, 2f cos 30, 2f root 3 by 2, 2 को काटो, f root 3 खटाक से दिमाग में आना चाहिए। कैसे दिमाग में आना चाहिए, खटाक से। तो बेटा f और 2f को क्या बनाया, 2f को बनाया 2f वेक्टर, 2f के बनाए 2f वेक्टर, और बेटा f वेक्टर और f वेक्टर का मिलके बन गया f वेक्टर एक अकेला 60 डिग्री एंगल पे। अब इन दोनों के एडिशन को इसके साथ जोड़ना था ff को, तो क्या बन जाएगा 2f cos 30, 2f cos 30, f cos 30, f cos 30 जुड़ जाएंगे f root 3। बोलो आया। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। आइए देखिए बेटा, ये देखिए एक और क्वेश्चन अपने पास है। रेगुलर हेक्सागन है साइड ए का, रेगुलर हेक्सागन है साइड ए का, है ना, ए बी सी डी ई एफ इज अ रेगुलर हेक्सागन। क्या है, ए बी वेक्टर प्लस ए सी वेक्टर प्लस ए डी वेक्टर प्लस ए ई वेक्टर प्लस ए एफ वेक्टर इज एन टाइम्स ए डी वेक्टर। ए बी वेक्टर, ए सी वेक्टर, ए डी वेक्टर, ए ई वेक्टर, ए एफ वेक्टर इज एन टाइम्स ऑफ ए डी वेक्टर। तो बेटा को बताना है एन क्या है। बेटा मैं आपको पहले तो ना ये बताना चाहता हूं कि अगर कोई कहे ये लॉन्गेस्ट डायगोनल कितना होता है, ये आपको मालूम होना चाहिए। बेटा हम कई बार यूज कर चुके हैं, ट्रिग्नोमेट्री में भी मैंने आपको ये यूज करवाया था। ये 120 एंगल है तो आधा कितना हो जाएगा बेटा, 60। आधा कितना हो जाएगा ये, 60। अब अगर ध्यान से देखो, यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉप किया, अगर ये ए है तो ये भी ए हो जाएगा, ठीक है, ये ए है तो ये भी ए हो जाएगा। और ये चीज क्या हो जाएगी, a cos 60, hypotenuse cos theta base hypotenuse sin theta perpendicular। तो जब a cos 60, a cos 60 बेटा कितना हो जाएगा, cos 60 होता है half, directly लिख दो, चलिए a by 2। वैसे बेटा ये trigonometry के हमने lecture में भी ये discuss कर चुका थे, है ना, और ये भी a है तो ये क्या regular hexagon है, तो ये भी a cos 60 that is a by 2, तो कितना हो जाएगा a by 2 plus a plus a by 2, कितना आ जाएगा बेटा 2a, कितना आ जाएगा, ये longest diagonal 2a है, ये आपको मालूम होना चाहिए, ये यूज होने वाला है ना, और नहीं मालूम है तो निकाल लीजिए, है ना। अब बेटा अगर ये वाले डायगोनल की बात करें, कोई और डायगोनल ले लेते हैं, एक और हेक्सागन बना लेता हूं फटाफट से, पूरा क्यों बना लेते, इतना ही बहुत, ठीक है, ये ए, ये भी ए और ये 120 है, तो बेटा ये एंगल कितने कितने हो जाएंगे, 30 30, क्यों, क्योंकि टोटल तो 60 है दोनों मिला के, ये 120 है तो ये दोनों मिला के 60 है और होंगे बराबर क्योंकि ये दोनों साइड बराबर है। तो बेटा ये कितना बन जाएगा, ये चीज क्या हो जाएगी, a cos 30, a cos 30 और ये भी क्या हो जाएगा, a cos 30, है ना, तो ये क्या बन जाएगा, 2a cos 30, कितना बन जाएगा, 2a cos 30। मैं एक बार ऐसे करता हूं, बड़ा बना के दिखा देता हूं आपको, थोड़ा छोटा लग रहा है बेटा, हेक्सागन का एक छोटा सा पार्ट ले रहा हूं, छोटा सा पार्ट ले रहा हूं, दो ही साइड्स बनाई है क्योंकि ये वाला डायगोनल निकालने में इंटरेस्टेड हूं इसकी लेंथ की, है ना, हॉचपॉच हो जाती है उसी फिगर में, इसलिए अलग बना रहा हूं। तो बेटा ये 120 पर 30 30 हो जाएंगे और ये ड्रॉ किए परपेंडिकुलर। अब बेटा क्यों ये बराबर बराबर बोल रहा हूं, क्योंकि बेटा ये 120 है तो इन दोनों का सम मिला के 60 है बराबर, तो 60 को बेटा बराबर बराबर बांटने 30 30, a cos 30, ये चीज हाइपोटेन्यूज cos थीटा बेस, इस ट्रायंगल का बेस और इस ट्रायंगल का ये भी बेस, तो a cos 30, a cos 30, टू ए कॉस 30, दिस प्लस दिस कितना आएगा, 2a root 3 by 2, कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों, a root 3, कितना हो जाएगा, a root 3, कितना हो जाएगा, a root 3, हाँ कि ना आया। तो बेटा ये आ गया a root 3, बहुत ही सिंपल है। तो बच्चों मैं बस आपको ये समझाना चाह रहा हूं। अब बेटा अगली चीज, अब मैं वापस से इस क्वेश्चन पे वापस आता हूं बेटा, ये a root 3 होता है, ये 2a होता है, ये मालूम होना चाहिए। तो बेटा कितने वेक्टर जोड़ने हैं, ये वाला वेक्टर जोड़ना है किसके साथ, इसके साथ, इसके साथ, इसके साथ और इसके साथ। अब बेटा देखो ये है तो रेगुलर हेक्सागन है ना, ये बेटा 120 टोटल एंगल है और बेटा ये एंगल 30 है बता चुका हूं, ये एंगल 30 है बता चुका हूं, वही तो बात हो गई, ये 30 तो ये भी 30 और ये टोटल कितना बचा फिर 60, तो ये भी 30 और 30। अब बेटा देखो ये वेक्टर है जिसकी लेंथ a root 3 है, ये वेक्टर है जिसकी लेंथ a root 3, बीच में एंगल 60 है। अभी क्या समझाया था, अगर दो वेक्टर होंगे f मैग्नीट्यूड के बीच में एंगल 60 होगा तो रिजल्टेंट क्या आएगा, f root 3, रिजल्टेंट क्या आएगा, f root 3 आया। तो प्यारे बच्चों बस मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूं, तो बेटा a root 3, a root 3 का रिजल्टेंट क्या आएगा बेटा, a root 3 का भी रूट थ्री टाइम्स,
3a, ठीक है। और एक तो ad है ही, वो तो 2a लेंथ का वेक्टर है, तो 2a लेंथ का वेक्टर एक और आएगा साथ, और aa जो है बेटा वो 120 डिग्री पे, तो उनका रिजल्टेंट बिल्कुल बीचों बीच आएगा, और वो कितना आएगा a के बराबर ही आएगा। तो टोटल कितना बन गया 3a, a 4a, 4a और 2a 6a, तो बेटा मैग्नीट्यूड 6a आ रहा है और AD का मैग्नीट्यूड कितना है बेटा 2a, तो कितने टाइम्स करूं कि इसके बराबर हो जाए 3 टाइम्स, कितने टाइम करना पड़ेगा 3 टाइम्स। आप आया है, एक बार देखेंगे फिर से बेटा, मैं फिर बता रहा हूं ये AA है, इनका एडिशन का जो मैग्नीट्यूड आएगा 120 डिग्री पे बेटा वेक्टर है, मैग्नीट्यूड कितना आएगा a ही आएगा, है ना, a√3 है, 60 बीच में एंगल है, कितना आएगा FF का f√3 आता है, तो a√3 का a√3 का क्या आएगा a√3 √3, है ना। और जो अगला है AD वेक्टर है, वो तो है 2a लेंथ का वेक्टर, तो 2a प्लस 3a 5a, 5a प्लस a 6a, तो बेटा इसका मैग्नीट्यूड 6a है तो AD वेक्टर के अलोंग ही, वो तो समझ में आ ही रहा है, और AD वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना है बेटा 2a, है ना, तो यहां पे n टाइम्स है, तो यहां से n कितना आ जाएगा बेटा 3, कितना आ जाएगा प्यारे बच्चों 3 आ जाएगा। बहुत ही सिंपल है, बहुत ही सिंपल है, है ना। आई होप आपको समझ में आया है, मैं आपको इसका सिंपल सॉल्यूशन भी बताऊंगा, पहले आप इसको नोट कर लीजिए। देखिए बेटा, मैंने आपको अभी एक सॉल्यूशन दे दिया था, है ना, उसमें अगर मैं आपको थोड़ा सा और अगर दिखाने की कोशिश करूं ना बेटा, तो आप ऐसा कह सकते थे AB plus AF, ये दोनों जो है AA मैग्नीट्यूड है, तो रिजल्टेंट क्या आएगा बेटा इनका AF, दैट इज AB और AF का AI, ठीक है, आप ऐसे अगर देखना चाहें, और AC plus AE, AC plus AE, बेटा ये कह रहे हैं a√3 लेंथ के वेक्टर्स हैं और 60 डिग्री एंगल, तो रिजल्टेंट क्या आएगा बेटा √3 टाइम्स FF का f√3, तो a√3 का a√3 का a√3 √3, तो 3a किन दोनों का है, इन दोनों AC plus AE का, और AD तो खुद पे है, AD तो 2a लेंथ का वेक्टर है, तो बेटा क्या बन जा रहा है प्यारे बच्चों, बन जा रहा है ये 4a 2a 6a, कितना बन गया 4a 2a 6a, 6a लेंथ का वेक्टर बन गया, है ना, और AD जो है वो खुद 2a लेंथ का है, तो n into 2a, तो यहां से आ जाएगा n, आ जाएगा 3, n क्या आ जाएगा 3। अब बेटा मैंने आपको बोला एक और बताता हूं, है ना, हालांकि बेटा ये अगर आपको स्ट्राइक करे तो ये मेरे को लगता है कि बड़ा मुश्किल होता है, वैसे ये स्ट्राइक करे, पहला वाला सॉल्यूशन ही डेफिनेटली बेटर है, हालांकि ये मुश्किल नहीं है, कुछ लोगों को ये स्ट्राइक कर भी सकता है। तो बेटा AB प्लस AC, AC वेक्टर को क्या लिखेंगे, AC वेक्टर हो जाएगा AB वेक्टर प्लस BC वेक्टर, अरे हां ना बोले, AC वेक्टर इज AB वेक्टर प्लस BC वेक्टर, बिल्कुल सही बात है, AD को AD रहने दो, AE को क्या लिख सकते हैं बेटा, AE को AD प्लस DE, AD प्लस DE, देखिए है ना, और साथ में आखिरी क्या बचा बेटा, AF वेक्टर बचा, AF वेक्टर, AF को मैंने कह दिया CD, AF को मैंने कह दिया CD, ऐसा क्यों कह रहा हूं अभी आपको मेरी बात समझ नहीं, वो AF को CD क्यों कहा वो समझ में आ जाए, वैसे तो पैरेलल है, सेम डायरेक्शन में है, तो AF को CD कह सकता हूं, क्यों कह रहा हूं अभी बताता हूं, क्यों, क्योंकि ये AB वेक्टर जो है और ये जो DE वेक्टर है, इन दोनों को देखो ध्यान से, AB और DE अपोजिट डायरेक्शन में भाई, सेम मैग्नीट्यूड कट गए, तो इनकी तो झंड होने वाली है, थाए एंड थाए, ठीक है, और अब क्या बचा AB BC, अब मैं सोच रहा था काश साथ में CD भी आ जाए, तो ये AF तो था ही और वो CD कह रहा हूं, तो AB plus BC plus CD क्या है, AD वेक्टर, बेटा ये वेक्टर प्लस ये वेक्टर प्लस ये वेक्टर क्या हो जाएगा, ये वेक्टर, तो ये बन जाएगा AD, और ये twice of AD, तो क्या जाएगा thrice of AD वेक्टर, क्या जाएगा thrice of AD वेक्टर। I hope you understood, बेटा कोई खास मुश्किल नहीं था, बस थोड़ा सा देखना पड़ेगा, मैंने क्या किया AB AB AC AD AE AF में मैंने AC को ब्रेक किया, किसमें AB वेक्टर प्लस BC वेक्टर, ये ब्रेक किया, AD को AD रहने दिया, AE को लिख दिया AD वेक्टर प्लस DE वेक्टर, है ना, CD, अब इसको मैंने CD बना दिया AF को, क्यों, क्योंकि बेटा मेरे को पता था AB आ रहा है, BC आ रहा है, काश CD भी आ जाए तो बन जाएगा AD, और बेटा जैसे ही मैंने ये किया, जब मैंने AE वेक्टर को कन्वर्ट किया AD प्लस DE में, तो ये DE वेक्टर और AB वेक्टर आपस में क्या होंगे बेटा, कट जाएंगे, और AB BC और CD मिलके क्या बन जाएगा AD, क्यों मैंने इसको CD बना दिया, ताकि this vector plus this vector plus this vector equal to this vector directly दिख जाएगा, polygon law vector addition यही तो होता है, तो नोट कर लीजिए फटाफट से। एक क्वेश्चन और करते हैं बेटा, क्वेश्चन है the direction of three forces of magnitude 1 newton 2 newton and 3 newton acting at a point
parallel to the sides of an equilateral triangle taken in order, the magnitude of their sum is, the magnitude of their resultant is. तो बेटा मैं आपको बताना क्या है, बेटा तीन फोर्सेस हैं जिनके मैग्नीट्यूड है 3 न्यूटन, 2 न्यूटन, 1 न्यूटन, इक्विलेटरल ट्रायंगल की साइड्स के अलोंग लग रहे हैं, इक्विलेटरल ट्रायंगल की साइड्स के अलोंग लग रहे हैं। आपको उन तीनों वेक्टर के एडिशन का मैग्नीट्यूड बताना है। बेटा एक वेक्टर ये है, ये 3 लेंथ का है, लग इक्विलेटरल ट्रायंगल की साइड्स के अलोंग रहे हैं, लेकिन दूसरा 2 न्यूटन है और तीसरा 1 न्यूटन है। ये 3 है, ये 2 है और ये 1 है। बेटा मैं बस आपको ये कहना चाह रहा हूं, आप इन तीनों में से 1 1 1 ले लीजिए तो क्या मिलेगा आपको, 1 इधर गए 1 इधर गए 1 इधर गए, तो जहां थे वहीं पहुंच गए। तीन में से अगर 1 1 1 ले लेंगे तो क्या मिल जाएगा, 0, क्या मिल जाएगा, 0। तो बचेगा क्या, एक 2 बचेगा इसमें से, अगर इसमें से 3 चला, 3 में से अगर 1 चला गया तो बचा क्या, 2। और इसमें क्या है बेटा, ये क्या बचा बेटा, 2 में से अगर 1 चला गया तो क्या बचा, 1। अब अगर ये टेकन इन ऑर्डर बेटा इसी ऑर्डर में, तो इन दोनों वेक्टर के बीच में एंगल क्या, 120। तो इसको ऐसे बना दो, 1 और बीच में एंगल 120। किसने कहा कि सर इसको कैसे सोचें, तो मैंने कहा कि इस 2 को भी ब्रेक कर दो आप। कैसे ब्रेक कर सकते हैं इस 2 को, 2 1 न्यूटन के वेक्टर बना दो, 2 1 न्यूटन के वेक्टर बना दो। अब क्या हो जाएगा, 1 1 का बेटा रिजल्टेंट गया, इन दोनों 1 का रिजल्टेंट गया। बेटा अगर दो वेक्टर हो FF, बीच में एंगल 120 है तो रिजल्टेंट क्या था, F, तो 1 1 का भी क्या आएगा, F, सॉरी 1 1 का क्या आएगा, 1। और किस एंगल पे है बेटा, 60 पे, तो 1 और 1 60 पे है प्यारे बच्चों। बेटा रिजल्टेंट अब क्या बनेगा बताइए जरा, अगर दो फोर्स F होते हैं, बीच में एंगल 60 होता तो F√3 आता, तो 1 1 का क्या आएगा, 1√3 क्या आएगा प्यारे बच्चों, 1√3 दैट इज √3 आ जाएगा, क्या आ जाएगा, √3। क्या निकल के आ जाएगा बेटा, √3। बहुत सिंपल है, पर अगर आपको ये लग रहा है ना कि ये मेथड है तो ट्रिकी, पर समझना थोड़ा सा मुश्किल है, पर अगर इसको समझ गए तो जल्दी चीजें होंगी। 3 2 1 में से 1 1 1 निकाला, 1 1 1 मिलके हो गए 0, 1 1 1 मिलके हो गए 0, 3 में से 1 गया बचा 2, 2 में से 1 गया बचा 1, 2 को लिखा 1 + 1 और 1 1 मिलके हो गया 1। 60 डिग्री एंगल पे दो वेक्टर अगर बराबर मैग्नीट्यूड के होते हैं तो रिजल्टेंट बिल्कुल बीचों-बीच से आता है। 1 1 का क्या हो जाएगा, 1 cos 30, 1 cos 30 जुड़ जाएंगे, याद आ गया, 1√3। FF का F√3 बेटा, अगर एंगल 180 होगा तो रिजल्टेंट 0, अगर 0 होगा तो 2F, है ना, अगर 60 होगा तो F√3 और अगर 90 होगा तो F√2, 90 होगा तो F√2, है ना, नोट कर लेंगे। आइए नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं प्यारे बच्चों, डॉट प्रोडक्ट या स्केलर प्रोडक्ट, ठीक है। तो बेटा ये क्या चीज है, आइए मैं थोड़ा सा आपको इसका इंट्रोडक्शन देता हूँ, ये चीज क्या है। बेटा देखो, फिजिक्स में हमने ना बहुत सारी फिजिकल क्वांटिटीज के बारे में पढ़ना है, उसमें हमको फिजिक्स में आपको लगातार नई फिजिकल क्वांटिटीज आपको समझाते रहना है। लेकिन बेटा अभी पता क्या चीज है, एक पर्टिकुलर एक फॉर्म है जो कई बार देखी जाती है फिजिक्स में, जैसे वर्क डन जो होता है वो FS cos थीटा होता है। वो क्या होता है प्यारे बच्चों, FS cos थीटा, फोर्स का मैग्नीट्यूड, डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड इनटू कॉस ऑफ एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। आई होप ये आपको मालूम होगा कि जो वर्क डन होता है वो इस तरीके से उसका रिलेशन होता है FS cos थीटा, है ना। तो अगर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में एंगल थीटा है तो बेटा जो वर्क डन आता है वो आता है FS cos थीटा। वर्क डन क्या आता है प्यारे बच्चों, FS cos थीटा। ऐसे ही एक चीज होती है फ्लो रेट, पानी कितनी तेजी से पाइप में फ्लो कर रहा है। जैसे मान लो पाइप इस तरीके से कटा हुआ है तो पानी निकलने का रेट क्या होगा बेटा, वो डिपेंड करता है जो एरिया है पूरा इसका, है ना, जो वेलोसिटी है, और एरिया वेक्टर और वेलोसिटी वेक्टर में एंगल होता है बेटा, ये कितनी तेजी से एक सेकंड में कितना पानी निकलेगा, कितनी वॉल्यूम निकलेगी, उसको हम बोलते हैं फ्लो रेट AV cos थीटा। ऐसा एक मतलब ऐसी एक क्वांटिटी नहीं, ऐसी बहुत सारी अनेक क्वांटिटीज हैं बेटा। फ्लक्स होता है EA cos थीटा। तो बेसिकली प्यारे बच्चों मैं आपको पता है क्या समझाना चाह रहा हूं, मैं आपको यह समझाना चाह रहा हूं ऐसी फिजिक्स में बहुत सारी क्वांटिटीज होती हैं जो कुछ AB cos थीटा की फॉर्म में होती हैं, जिनकी फॉर्म ऐसी होती है AB cos थीटा, जहां पर ए है ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड, बी है बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड और कॉस थीटा। तो बेटा इसको हम ना शॉर्ट फॉर्म में इस तरीके से लिख देते हैं, ए डॉट बी, इस तरीके से हम इसको एक शॉर्ट फॉर्म में लिख देते हैं, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर। अगर मान लो कहीं पे लिखा है ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर तो इसका मतलब होगा AB cos थीटा, कहीं पे लिखा FS cos थीटा तो इसका मतलब होगा प्यारे बच्चों F वेक्टर डॉट S वेक्टर,
कहीं लिखा है ए वी कॉस थीटा, इसका मतलब हुआ ए वेक्टर डॉट वी वेक्टर। कहीं लिखा है ई ए कॉस थीटा, इसका मतलब हुआ ई वेक्टर डॉट ए वेक्टर। तो प्यारे बच्चों मैं आपको बस ये समझाना चाह रहा हूं, कहीं पर भी कोई कहेगा ई वेक्टर डॉट ए वेक्टर तो वो ई ए कॉस थीटा, ए वेक्टर डॉट वी वेक्टर ए वी कॉस थीटा, एफ वेक्टर डॉट एस वेक्टर एफ एस कॉस थीटा, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर ए बी कॉस थीटा। अब बेटा मैं अभी ना कोई फिजिकल क्वांटिटी आपको पढ़ाने नहीं जा रहा हूं, क्योंकि अगर बेटा मैं फिजिकल क्वांटिटी आपको पढ़ाऊंगा तो बेटा मेरा वेक्टर्स चैप्टर नहीं जाएगा, मेरा कोई और ही नया चैप्टर स्टार्ट हो जाएगा। आई नो ये थोड़ा सा डिफिकल्ट है, मान लेना कि ऐसी फिजिकल क्वांटिटी कैसे हो सकती है। बस आप ना मेरी बात एक समझ लीजिए कि जैसे बेटा पाइप है, मान लो मैं चलो एक एग्जांपल लेता हूं छोटा सा आपके सामने, मान लो ये पाइप है बेटा, ये जो एरिया है ना ए है बेटा, वेलोसिटी पता है क्या होता है, वेलोसिटी का यूनिट होता है मीटर्स पर सेकंड। वेलोसिटी का यूनिट क्या होता है प्यारे बच्चों, जो एमकेएस यूनिट है वो होता है मीटर्स पर सेकंड, वो बताता है कितना मीटर्स पानी ट्रेवल करेगा। जैसे मान लो कोई अगर पानी की वेलोसिटी है तो पानी कितने मीटर्स ट्रेवल करेगा पर सेकंड, मेरी वेलोसिटी है मैं कितने मीटर्स ट्रेवल करूंगा पर सेकंड। तो बेटा जो वेलोसिटी है ना जिसका यूनिट है मीटर्स पर सेकंड, वो बेटा बता क्या रही है, वो बता रही है एक सेकंड में कितने मीटर्स ट्रेवल करेगा। मेरी वेलोसिटी 10 मीटर्स पर सेकंड, में दौड़ रहा हूं है ना, इसका मतलब मैं एक सेकंड में 10 मीटर्स दौड़ूंगा, इसका मतलब मैं एक सेकंड में 10 मीटर्स दौड़ूंगा है ना। अगर मान लो कोई है ना, अगर कोई लेपर्ड है वो बहुत तेज दौड़ सकता है, उसकी वेलोसिटी 90 मीटर्स पर सेकंड, लेट से मतलब वो एक सेकंड में 90 मीटर्स दौड़ सकता है ना। और अगर मान लो कोई सुपरमैन है ना, वो उड़ सकता है, वो उड़ सकता है ना, और मान लो 100 मीटर पर सेकंड से, तो मतलब वो 100 मीटर्स ट्रेवल करेगा पर सेकंड। तो बेटा मेरी बात सुनेंगे, ये एक पाइप है जिसमें पानी फ्लो कर रहा है v मीटर्स पर सेकंड से, ये एक पाइप है जिसमें पानी फ्लो कर रहा है v मीटर्स पर सेकंड से, तो एक सेकंड में प्यारे बच्चों वो v लेंथ का पानी इससे बाहर निकल जाएगा, जो यहां पे लेयर है वो एक सेकंड में v ट्रेवल करके आएगी और इतनी वॉल्यूम बाहर निकल जाएगी। कितनी वॉल्यूम बाहर निकल जाएगी, एरिया इंटू वेलोसिटी, एरिया इंटू बेटा आप जानते होंगे एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट होती है वॉल्यूम, तो एरिया इनटू ये जो लेंथ हुई ए इनटू वी, बेटा इतनी ही तो वॉल्यूम निकलेगी। ध्यान से सोच के देखिए, मेरी बात समझ के देखिए। मैं जानता हूं अभी आप कुछ लोग 10th पास करके हैं जो मेरी वीडियो देख रहे हैं, या कुछ लोगों ने 12th पास करी है वो भी मेरी वीडियो देख रहे हैं, तो थोड़ा सा हो सकता है कि आपको हल्का सा अटपटा सा लगे। बेटा मेरी बात समझने की कोशिश करिए, अगर वेलोसिटी पानी की 10 मीटर पर सेकंड है, अगर वेलोसिटी पानी की जो इसमें पानी है पाइप में, अगर उसकी वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड है, इसका मतलब 10 मीटर पानी ट्रेवल करेगा पर सेकंड, जो 10 मीटर लेंथ पे पानी होगा वो भी यहां पे पहुंच जाएगा। तो कितना पानी बाहर निकलेगा इस पाइप से, कितनी वॉल्यूम बाहर निकलेगी, एरिया इनटू वेलोसिटी, बेटा वी वेलोसिटी है, वी लेंथ का पानी बाहर आ जाएगा प्यारे बच्चों। तो बेटा ए इनटू वी वॉल्यूम बाहर निकलेगी एक सेकंड में, तो पानी का जो फ्लो रेट है वो ए इनटू वी है। पर सोचो बेटा, अंदर नीचे बाहर से, अंदर से ना कोई मोटर लगी हुई है जो पानी को पुश कर रही है, जिसके कारण पानी बाहर आ रहा है। पर सपोज करो कोई पाइप को अगर इस तरीके से काट दे है ना, तो मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूं, कोई पाइप को अगर ऐसे काट दे तो क्या पानी ज्यादा निकलने लग जाएगा? बिल्कुल भी नहीं। पर अगर हम सोचे तो एरिया तो बढ़ गया, तो हम सोचे तो एरिया तो बढ़ गया। तो प्यारे बच्चों मैं आपको बस यही कहना चाह रहा हूं, अगर एरिया बढ़ गया, मान लो ए था, अब मान लो बड़ा ए हो गया, जस्ट एग्जाम्पल ले रहा हूं है ना, वेलोसिटी तो वही है बेटा, मोटर तो उतनी जोर से पुश कर रही है ना। और मैं आपको एक बात कहूं, फ्लो रेट तो पहले वाला ही होना चाहिए, लेकिन लग नहीं रहा पहले वाला, क्यों? क्योंकि ये चीज तो बढ़ गई, तो यहां पर कोई एक फैक्टर और आना चाहिए जो कहे कि जिसके कारण हम ये कह सकें ये इसके बराबर है। मान लो ये एरिया डबल हो गया तो यहां पे एक हाफ आना चाहिए है ना, क्यों बेटा? क्योंकि बेटा देखो, जो वी लेंथ यहां पे दूरी पे है वो तो निकल जाएगा, यहां से जो वी लेंथ की दूरी पे यहां से है वो निकल जाएगा, जो यहां से वी लेंथ की दूरी पे, इस जगह से जो वी लेंथ की दूरी पे है वो निकल जाएगा। दैट इज जो पहले वॉल्यूम निकल रही थी, आप ध्यान से देखिए, जो यहां से वी की दूरी पे, जो यहां से वी की दूरी पे, वो यहां से एक सेकंड में वी ट्रेवल करेगा और निकल जाएगा। आप कोशिश करिएगा प्यारे बच्चों मेरी बात समझने की, मैं आपको पहुंचा दूंगा उस निष्कर्ष तक। तो देखिए बेटा मेरी बात सुनिए ध्यान से, मैं आपको ये कहना चाह रहा हूं, ये ना ये पाइप है जिसमें ये मान लो एरिया है, एक्चुअली ये इस तरीके का है एरिया, रेक्टेंगुलर पाइप है। पर मैं कह रहा हूं, आप सपोज कर लो कि ये जो एरिया है ना बेटा, ये है तो इस तरीके का, पर मैं अब मैं पूरा 3D व्यू नहीं बना रहा हूं, मैं बस आपको ये कहना चाह रहा हूं प्यारे बच्चों, जो वी डिस्टेंस पे पानी होगा ना बेटा, वो निकल जा रहा था।
पर मैंने क्या किया, पाइप को ना आगे से ऐसे काट दिया, किसी को पता लगा फ्लोरेट एवी होता है, हमारा स्टूडेंट था पूरी बात मालूम नहीं थी, उसने घर जाके कहा पापा देखो जादू दिखाता हूँ, पानी ज्यादा निकलने लग जाएगा खाली हल्का सा काटने से, तो उसने काटा, उसको दे चप्पल पे चप्पल पड़ी क्योंकि पानी तो ज्यादा निकलेगा नहीं बेटा, पानी तो जितना मोटर अगर पंप कर रही है पीछे से उसके हिसाब से ही पानी आएगा, पानी तो ज्यादा आ नहीं जाएगा, है ना। अब बेटा सोचो अगर मैं ऐसे काट दूं तो बेटा पहले तो इतनी वॉल्यूम निकल रही थी, अब जो इससे भी डिस्टेंस पे वो यहां तक पहुंच जाएगा एक सेकंड में, इससे तो वही पहुंच रहा था, तो अब इतनी वॉल्यूम आ जाएगी, तो याली वॉल्यूम गायब हो गई पर यहां पर वाली वॉल्यूम आ गई, तो वॉल्यूम तो वही जाएगी ना, तो जो बेटा पहले फ्लोरेट था फ्लोरेट तो वही रहेगा, एरिया बढ़ाने से अगर एरिया डबल कर दिया तो साथ में एक हाफ चाहिए होगा, और वो हाफ पता क्या चीज है प्यारे बच्चों, मैं ये कहना चाह रहा हूं साथ में एक ऐसी चीज चाहिए होगी ताकि वो एरिया ए इंटू ये फैक्टर स्मॉल ए के बराबर ही हो जाए, पहले वाले ए के बराबर ही हो जाए, तो बेटा उसको हम फैक्टर को बोलते हैं कॉस थीटा, है ना। पूरा प्रूव नहीं कराने चाह रहा हूं, पूरी फिजिक्स नहीं पढ़ाने चाह रहा हूं, आप मेरा फ्लूइड का लेक्चर देखेंगे तो ये बात बहुत कायदे से समझ पाएंगे, लेकिन हल्का सा फील अभी भी करा सकता हूं। मैं कह रहा हूं मान लो ये लेंथ ए थी, है ना, ये ए और ये बी था, ये ए है और बाहर को बी है, आप मेरी बात समझ पा रहे हैं, इसका जो इधर से व्यू है ये ए और बी थिकनेस का पाइप, ए और बी, ए ये चीज है हाइट है पाइप की आप समझ लीजिए ऐसे, और बी उसकी विड्थ है क्रॉस सेक्शन है जिससे पानी बाहर आ रहा है। अब मैंने ऐसे काट दिया बेटा, मान लो ये सी चीज हो गई, ये लेंथ मान लो सी हो गई, यहां से लेके यहां तक बेटा ये सी हो गया, ठीक है। अब अगर बेटा ये सी है, आप ध्यान से देखो, ये सी इंटू बी एरिया हो गया जो ज्यादा है, सी आपको ए से ज्यादा दिखेगा इस ट्राइंगल में, ये हाइपोटेनियस है, तो हाइपोटेनियस इज द लॉन्गेस्ट साइड, हाइपोटेनियस इज द लॉन्गेस्ट साइड, तो मैं ये कहना चाह रहा हूं प्यारे बच्चों ये सी इंटू बी हो गया एरिया, अगर ये एरिया हो गया सी इंटू बी अगर ये एरिया हो गया, तो बेटा अब मैं ये कहना चाह रहा हूं अब मेरे को इसके साथ कुछ ऐसा लेना पड़ेगा ताकि पहले वाला ही एरिया बन जाए ए बी, बेटा पहले वाला एरिया था ए इंटू बी, अभी हो गया C into B जो कि बड़ा है, अब मैं ऐसी चीज मल्टीप्लाई करना चाहता हूं ताकि ये उसके बराबर हो जाए, और सोचो अगर मैं cos थीटा मल्टीप्लाई करूंगा तो C cos थीटा तो A है इस ट्रायंगल में, हाइपोटेन्यूस cos थीटा बे C cos थीटा पक्का A ही आएगा, है ना, तो बेटा मेरे को cos थीटा ही लेना पड़ेगा ताकि पहले वाला ही फ्लो रेट आना है मेरे को पता है, तो बेटा बेसिकली जो फ्लो रेट है वो क्या बन गया AV cos थीटा। तो मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं बेटा बहुत सारी ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज हैं, बहुत सारी ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज हैं जो कि इस फॉर्म की होती हैं, है ना, मैं इसको स्किप करूंगा बेटा इस चीज से, जस्ट आपको लेके आना चाह रहा था कि ऐसी फिजिकल क्वांटिटी हो सकती है जो कि ए बी कॉस थीटा फॉर्म की हो, जो कि ए बी कॉस थीटा फॉर्म की हो, तो बेटा ऐसी बहुत सारी फिजिकल क्वांटिटीज हैं, वर्क डन एफ एस कॉस थीटा होती है ना, फ्लोरेट ए बी कॉस थीटा होती है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स ई ए कॉस थीटा होती है, करंट जे ए कॉस थीटा होता है ना, बहुत ज्यादा डिटेल में अभी नहीं जा रहा हूं, जस्ट आपको ये बता रहा हूं कि ऐसी बहुत सारी फिजिकल क्वांटिटीज हैं विच आर ऑफ द फॉर्म ऑफ ए बी कॉस थीटा, विच आर ऑफ द फॉर्म ऑफ ए बी कॉस थीटा। तो अगर ए बी कॉस थीटा टाइप की अगर अनेकों फिजिकल क्वांटिटीज हैं प्यारे बच्चों, अगर ए बी कॉस थीटा टाइप की अगर अनेकों फिजिकल क्वांटिटीज हैं, तो इसका मतलब बस मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूं कि उसको शॉर्ट फॉर्म में ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर की फॉर्म में लिख देंगे, कहीं लिखा होगा ई डॉट ए इसका मतलब ई ए कॉस थीटा, कहीं लिखा होगा ए बी कॉस थीटा ए डॉट बी, कहीं पर कभी भी अगर ऐसा लिखा हो a डॉट b तो ये कहना चाहता है मैग्नीट्यूड a मैग्नीट्यूड b इनटू कॉस ऑफ एंगल बिटवीन a वेक्टर एंड b वेक्टर, है ना। तो बस अगर आप ये समझ लें तो मेरा काम खत्म हो जाता है, बस मैं आपको एक ही बात समझाने में इच्छुक था कि अगर बेटा कभी भी कहीं लिखा होगा a वेक्टर डॉट b वेक्टर इसका मतलब है मैग्नीट्यूड a मैग्नीट्यूड b cos थीटा, कहीं लिखा होगा c वेक्टर डॉट d वेक्टर इसका मतलब मैग्नीट्यूड c मैग्नीट्यूड d cos थीटा, कहीं लिखा होगा f वेक्टर डॉट s वेक्टर इसका मतलब होगा मैग्नीट्यूड f मैग्नीट्यूड s cos थीटा। तो बेटा सपोज करो कहीं पे अगर आपको दे रखा हो कोई p वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड है 10, है ना, और q वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड है 20, और मान लो इनके बीच में जो p वेक्टर और q वेक्टर है उनके बीच में जो एंगल है लेट से दैट इज एंगल थीटा जो है वो 60 है, मतलब जो एंगल बिटवीन p एंड q है वो 60 है, लेट से वी हैव अ सिचुएशन इन व्हिच वी हैव टू वेक्टर्स ऑफ मैग्नीट्यूड 10 एंड 20 एंड एंगल बिटवीन द वेक्टर इज 60, है ना, लेट से द वेक्टर्स आर p एंड q, व्हाट इज द डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। बेटा मैं आपको ये पूछ रहा हूं डॉट प्रोडक्ट क्या हो, तो क्या बोलेंगे बेटा p का मैग्नीट्यूड व्हिच इज 10, q का मैग्नीट्यूड दैट इज 20, है ना, और cos ऑफ एंगल बिटवीन p एंड q जो कि दे रखा है 60, तो cos 60 क्या आएगा हाफ, तो क्या बन जाएगा प्यारे बच्चों ये 100, क्या बन जाएगा ये 100। मैं बस बेटा आपको यही समझाना चाहता हूं, मैं बस बेटा आपको यही समझाना चाहता हूं कि कभी भी दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट की बात करी जाएगी तो इसका मतलब होगा
ए बी कॉस थीटा, पी क्यू है तो पी क्यू कॉस थीटा। तो मैंने आपको बेटा क्या समझा दिया है, मैंने आपको ये समझा दिया है कुछ ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं, और एक्चुअली बोलूं तो कुछ ऐसी स्केलर फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं जो कि ए बी कॉस थीटा टाइप की होती हैं। तो दो वेक्टर के प्रोडक्ट जैसा दिख रहा है, एक्चुअली वेक्टर के भी प्रोडक्ट जैसा नहीं दिख रहा है, वेक्टर के मैग्नीट्यूड के प्रोडक्ट के जैसा दिख रहा है कुछ, है ना। तो बेटा इसलिए हम इसको बोलते हैं स्केलर प्रोडक्ट, क्योंकि ये जो प्रोडक्ट है इससे जो फिजिकल क्वांटिटी मिल रही है, जो बेटा f वेक्टर डॉट s वेक्टर से फिजिकल क्वांटिटी मिल रही है, वो एक स्केलर क्वांटिटी है, वर्क डन एक स्केलर क्वांटिटी है। अगर बेटा किसी ने आप पे वर्क किया है ना, आपको उठा के ऊपर कर दिया, 10 जूल वर्क किया, बेटा जो वर्क है ना बेटा वो एक स्केलर क्वांटिटी है। कभी आप ये नहीं सुनेंगे कि है ना हमने 20 जूल वर्क किया है ना नॉर्थ में या साउथ में, इसका कोई मतलब नहीं है। वर्क किया और बेटा वर्क हमने, बेटा वर्क क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी। फ्लो रेट, एक सेकंड में कितनी वॉल्यूम आ रही है, तो बेटा वॉल्यूम जो आ रही है वो मतलब वो एक क्वांटिटी है, मतलब वॉल्यूम 10 लीटर पानी का कोई डायरेक्शन नहीं होता है। तो प्यारे बच्चों मैं बस आपको ये कहना चाह रहा हूं कि अगर कभी भी अगर कोई कहता है कि हम डॉट प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं, तो डॉट प्रोडक्ट का मतलब है कि उससे जो जन्म लेगी क्वांटिटी वो एक स्केलर क्वांटिटी है। डॉट प्रोडक्ट कर रहे हैं तो इसका मतलब उससे जो क्वांटिटी जन्म लेगी वो एक स्केलर क्वांटिटी है, इसलिए इस डॉट प्रोडक्ट का नाम होता है स्केलर प्रोडक्ट, इसलिए इस डॉट प्रोडक्ट का नाम होता है स्केलर प्रोडक्ट। पर मैं आपको यही कह रहा हूं ये कोई डेरिवेशन नहीं है, एक्चुअली बहुत सारी फिजिकल क्वांटिटीज जब हम डेवलप करते हैं, डिराइव करते हैं, तो वो इस फॉर्म की निकल के आ जाती हैं, जैसे एफ एस कॉस थीटा, ई ए कॉस थीटा, ए बी कॉस थीटा, ई ए कॉस थीटा, ए बी कॉस थीटा, बी एस कॉस थीटा। ऐसी बहुत सारी फिजिकल क्वांटिटीज हैं, अनेकों क्वांटिटीज हैं जो कि आगे फिजिक्स में आप पढ़ेंगे, जो कि आगे फिजिक्स में आप पढ़ेंगे। तो बस बेटा मैं आपको बस ये कहना चाह रहा हूं कि अगर कभी भी लिखा होगा कहीं पे ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, अभी के लिए बस आप ये समझ लीजिए इसका मतलब होगा ए बी कॉस थीटा। इसका मतलब क्या होगा, ए बी कॉस थीटा। कहीं लिखा होगा पी वेक्टर डॉट क्यू वेक्टर, तो पी क्यू कॉस थीटा, क्या मतलब होगा, पी क्यू कॉस थीटा। मैं जान रहा हूं कि शायद आपको अटपटा लग रहा हो, पर बेटा आप समझिए मेरी बात को, हल्के हल्के जैसे जैसे मैं आगे चैप्टर पढ़ाऊंगा वैसे एक्चुअली बेटा मेरे को जो मतलब हमारे को जो फील होता है पढ़ाने का तरीका बेस्ट, तो यही होगा कि जहां पर जो मैथमेटिकल टूल की रिक्वायरमेंट हो वहीं पर वो सिखाया जाए। पर बेटा होता क्या है ना, शुरुआत में आप कहीं से भी बुक्स में अगर क्वेश्चन देखेंगे तो आपको लगेगा कि हमको ये चीज बताई नहीं गई है, इसलिए बता रहे, कोशिश करो डिटेल में जाने की, फील कराने की। तो बेटा फील कराने के लिए जस्ट मैंने आपको एक एग्जांपल दिया कि जैसे फ्लोरेट को लिखने का बेस्ट तरीका बेटा क्या होगा, ए बी कॉस थीटा, ना कि ए इन टू वी, क्योंकि ए बी से अगर फ्लोरेट बोला तो बेटा पाइप को अगर ऐसे कर देंगे, काट देंगे, तो बेटा एरिया बढ़ने से क्या पानी मोटर से ज्यादा निकलने लग जाएगा, बिल्कुल नहीं। अगर आपने पाइप का खाली आगे से क्रॉस सेक्शन ऐसे काट दी तो पानी तो उतना ही आने वाला है। तो बेटा ये जस्ट मैंने फिजिक्स का एक एग्जांपल लिया, मैं आपको बस ये कहना चाह रहा हूं कि अगर कभी भी कहीं पे भी आपको लिखा हुआ मिल जाएगा ए डॉट बी, इसका मतलब है ए बी कॉस थीटा, बस मन में एक बात डालो, ठीक है। और ऐसी बहुत सारी फिजिकल क्वांटिटीज इस फॉर्म में डेवलप होंगी आपके सामने आगे फिजिक्स में, जो कि ए बी कॉस थीटा फॉर्म की होंगी। जैसे वर्कडन आप बहुत कायदे से बचपन से जानते हैं, शायद एफ एस कॉस थीटा, ये शायद आपने 9th में 10th में आपने जरूर देखा होगा वर्कडन, जो कि क्या होता है बेटा, एफ एस कॉस थीटा, क्या होता है बेटा, एफ एस कॉस थीटा, है ना। आई होप मैं आपको समझा पा रहा हूं, है ना। अगर फिर भी दिक्कत रहेगी तो आप कमेंट बॉक्स में डालिए, मैं इस पर कोई एक नई वीडियो और बना के पोस्ट करूंगा। अब देखो बेटा, ये मैंने आपको थोड़ा सा समझाने की कोशिश करी कि अगर कहीं पर भी लिखा होगा p वेक्टर डॉट q वेक्टर, तो इसका मतलब होगा पी क्यू कॉस थीटा, इसका मतलब क्या होगा, पी क्यू कॉस थीटा, ठीक है। अच्छा सपोज करो ऐसा लिखा हुआ है i कैप डॉट जे कैप, ये लिखा, इसका मतलब क्या होगा, आई का मैग्नीट्यूड क्या होता है बेटा 1, जे का मैग्नीट्यूड क्या होता है बेटा 1, और इन दोनों के बीच में एक्स और वाई एक्सिस के अलोंग ये वेक्टर होते हैं, उनके बीच में एंगल क्या होता है बेटा, ये 75 डिग्री, कितना होता है बेटा 90 डिग्री होता है, सोएंगे नहीं है बेटा, 90 डिग्री होता है। तो कॉस 90 आएगा, और कॉस 90 कितना होता है 7.91, है ना बेटा, 7.91 नहीं होता है बेटा, उठ जाओ बेटा, खड़े हो जाओ, बैठ के पढ़ो बेटा, है ना, बैठ के पढ़ो बेटा, अगर आप लेटे हो तो उठ जाओ, खड़े होके पढ़ो, है ना बेटा, नहीं तो हम आपकी स्क्रीन से निकल के आपको गला दबा देंगे बेटा, मन लगाएंगे। कॉस 90 बेटा क्या होता है, जीरो होता है, तो यहां पर क्या आ जाएगा बेटा, ये जीरो आ जाएगा। अच्छा अगर कोई कहे आई कैप डॉट के कैप, तो ये क्या आएगा, आई कैप का मैग्नीट्यूड 1 होता है ना, के कैप का मैग्नीट्यूड बेटा 1 लेंथ का वेक्टर है, यूनिट वेक्टर है, 1 होता है, और कॉस ऑफ एंगल बिटवीन आई एंड के बेटा वो क्या होता है बेटा,
एक्स एक्सिस ये है, ये वाई एक्सिस है, जेड एक्सिस ये बाहर होती है, मतलब आपकी तरफ को है ना, ऐसे परपेंडिकुलर होती है। तो बेटा इसमें भी एंगल क्या होता है, आई और के में 90 होता है, ये भी क्या आएगा, जीरो। अच्छा जे कैप डॉट के कैप क्या आएगा, सिमिलरली 1 × 1 × cos 90, क्योंकि एंगल बिटवीन एक्स वाई, वाई जेड एंड जेड एक्स है ना, ऑल दी थ्री एक्सेस आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर, तो ये भी जीरो आएगा। तो आई डॉट जे, आई डॉट के, जे डॉट के, जे डॉट आई है ना, ये सब क्या आएंगे बेटा, जीरो। जो भी दो परपेंडिकुलर वेक्टर होंगे उनका डॉट प्रोडक्ट क्या होगा, जीरो। उनका डॉट प्रोडक्ट क्या होगा, जीरो। ठीक है, अभी थोड़ा सा और डिटेल में जाऊंगा, चीजों को समझाऊंगा एक एक करके। अच्छा अगर कोई कहेगा आई कैप डॉट आई कैप करो, दम है तो क्या लिखेंगे, आई कैप डॉट आई कैप क्या आएगा बेटा, आई कैप का मैग्नीट्यूड दूसरे वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 है, और इनके बीच में आई कैप तो बेटा सेम डायरेक्शन में हो, तो बीच में एंगल क्या हो गया, दो चीजें सेम डायरेक्शन, बीच में एंगल क्या हो गया, जीरो। और कॉस जीरो क्या होता है, 1, तो ये क्या आ जाएगा, 1। अच्छा जे कैप क्या आएगा, 1 × 1, और ये भी सिमिलरली कॉस जीरो, ये भी 1। मैं कहूं अच्छा के कैप क्या है, अब बेटा समझ में आ चुका होगा बेटा, 1 इसका मैग्नीट्यूड 1, इसका मैग्नीट्यूड 1, और के कैप, और के कैप तो दोनों के, मतलब आप लोग आपके डायरेक्शन में गए, क्योंकि एक्स वाई ऐसे हैं बेटा, एक्स ये है, वाई ये है, जेड आपकी तरफ है ना। तो बेटा बस मैं आपको ये कहना चाह रहा हूं, के कैप डॉट के कैप, दो के कैप है, दोनों सेम डायरेक्शन में, तो बीच में एंगल क्या होगा बेटा, जीरो। तो 1 × 1 × cos 0 फिर से 1 आएगा। मैं कह रहा हूं कोई भी जनरल बात करो, अगर कोई भी यूनिट वेक्टर है डॉट ए कैप डॉट ए कैप, तो ए कैप और ए कैप तो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन, मान लो ए कैप इधर को है तो दूसरा ए कैप भी इधर को, और ए कैप मतलब 1 लेंथ का वेक्टर, दूसरे वेक्टर की लेंथ वो भी 1, और इनके बीच में एंगल क्या होगा, जीरो। तो ये क्या आएगा बेटा, 1, क्या आएगा, 1। आई होप मैं आपको ये समझा पाया हूं। एक बार ऐसा करेंगे फटाफट से, ये जितना लिखा उसको नोट कर लेंगे। तो बेटा सिखा क्या दिया मैंने आपको, बेटा सिखा मैंने आपको ये दिया है बच्चों कि अगर कभी भी कोई फिजिकल, मतलब बहुत सारी स्केलर फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं जो ए बी कॉस थीटा की फॉर्म में होती हैं, शॉर्ट फॉर्म में लिखा जाता है ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, शॉर्ट फॉर्म में लिखा जाता है ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर। ठीक है, अब बेटा मैं बस आपको ये कहना चाह रहा हूं, अच्छा मैंने आपको और क्या बताया, आई कैप डॉट आई कैप कितना आएगा, आई कैप डॉट आई कैप 1 × 1 × cos 0, 1 × 1 × cos 0। अच्छा जे कैप डॉट जे कैप क्या आएगा बेटा, जे कैप डॉट जे कैप दोनों 1 लेंथ के वेक्टर हैं, और दोनों किस डायरेक्शन में है, वाई डायरेक्शन में, तो कहेगा 1 इसका मैग्नीट्यूड, इसका मैग्नीट्यूड फिर से 1 × cos 0। ये जनरल कोई भी ए कैप डॉट ए कैप कहेगा बेटा 1 आएगा, क्यों, क्योंकि दोनों का मैग्नीट्यूड वेक्टर्स का 1 है, बीच में एंगल 0 है, तो 1 × 1 × cos 0 क्या बनेगा प्यारे बच्चों, 1 बनेगा, ये मैं आपको सिखा दिया है। और आई कैप डॉट जे कैप 0 बनेगा, क्योंकि बीच में एंगल क्या होता है, एक्स वाई के 90, क्या होता है 90, तो cos 90 0, 1 1 cos 90, ए बी cos थीटा ए डॉट बी, ए बी cos थीटा ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, ए बी cos थीटा ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, ए बी cos थीटा, सी वेक्टर डॉट डी वेक्टर, सी डी cos थीटा। तो बेटा हमने सी क्या लिया है प्यारे बच्चों, अगर कहीं पर भी लिखा हुआ ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, इसका मतलब है ए बी cos थीटा, इसका मतलब है ए बी cos थीटा। आई होप मैं आपको समझा पाया, और ये ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर से मिल क्या रहा है, कोई डायरेक्शन मिल रहा है, नो, मैग्नीट्यूड मिल रहा है खाली, दैट इज खाली, ये कौन सी क्वांटिटी निकल के आ रही है, स्केलर, कौन सी निकल के आ रही है, स्केलर। आइए थोड़ा सा एक भयानक देखते हैं हल्का सा, कि अगर बड़ा क्वेश्चन होगा तो किस तरीके का होगा, कैसे करेंगे डॉट प्रोडक्ट ए वन आई कैप प्लस ए टू जे कैप प्लस ए थ्री के कैप डॉट, अगर मान लो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर करना है, जहां पे बी वेक्टर है बी वन आई कैप प्लस बी टू जे कैप प्लस बी थ्री के कैप है ना, तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर क्या आएगा बेटा निकल के, वो आएगा ए वन आई कैप प्लस ए टू जे कैप प्लस ए थ्री के कैप डॉट बी वन आई कैप प्लस बी टू जे कैप प्लस बी थ्री के कैप, बेटा क्या बन जाएगा, आई कैप डॉट आई कैप 1 बन जाएगा, तो बन जाएगा ए वन बी वन, आई कैप डॉट जे कैप बेटा क्या हो जाएगा बेटा, अभी सिखाया है बेटा, जीरो। आई कैप डॉट जे कैप बेटा क्या होता है, जीरो, क्योंकि बीच में एंगल 90 है, कॉस 90 जीरो, तो इसलिए ये नहीं बनेगा। आई कैप डॉट के कैप भी जीरो, जे कैप डॉट आई कैप करूंगा फिर जीरो बनेगा, जे कैप 1 ए टू बी टू और के कैप डॉट के कैप 1 बनेगा, बाकी सारे जीरो, तो ए वन बी वन प्लस ए टू बी टू प्लस ए थ्री बी थ्री,
प्यारे बच्चों मैंने आपको समझाया, अगर ए वन आई कैप प्लस ए टू जे कैप प्लस ए थ्री के कैप डॉट बी वन आई कैप प्लस बी टू जे कैप प्लस बी थ्री के कैप है, तो आई कैप के कोफिशियंट को मल्टीप्लाई करना है, जे कैप के कोफिशियंट को मल्टीप्लाई करना है, के कैप के कोफिशियंट को मल्टीप्लाई करना है। फटाफट से बोलेंगे, अगर दो वेक्टर्स हैं आई कैप जे कैप के कैप में, तो बेटा क्या करना है, दोनों वेक्टर्स के मतलब आई कैप के कोफिशियंट को मल्टीप्लाई करना है प्लस जे कैप के कोफिशियंट को मल्टीप्लाई करना है प्लस के कैप के कोफिशियंट को मल्टीप्लाई करना है, एंड यू विल गेट द मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, ए वन बी वन प्लस ए टू बी टू प्लस ए थ्री बी थ्री। ये फटाक से करना आना चाहिए, ऐसा नहीं कि आप सुस्ताएंगे सोचेंगे क्वेश्चन में, अभी सोच लीजिए। आई कैप डॉट आई कैप तो बेटा वन होगा, इसलिए बन जाएगा ए वन बी वन। अच्छा, आई कैप डॉट आई कैप वन नहीं लिखा मैंने, या लिखूं ए वन बी वन वन, कोई जरूरत नहीं। आई कैप डॉट जे कैप जीरो बनेगा, है ना, आई कैप डॉट के कैप जीरो, क्योंकि आई कैप और के कैप में एंगल क्या होता है बेटा 90। के कैप आपकी तरफ को है, एक्स वाई के परपेंडिकुलर है। जे कैप डॉट आई कैप जीरो बनेगा क्योंकि जे और आई में एंगल 90 है। जे कैप डॉट के कैप जीरो बनेगा, खाली जे कैप डॉट जे कैप बनेगा, इसलिए ए टू बी टू। तो बेटा मैंने आपको समझा दिया कि अगर दो वेक्टर्स होंगे ए वेक्टर बी वेक्टर, विच आर ए वन आई कैप प्लस ए टू जे कैप प्लस ए थ्री के कैप, है ना, एंड बी वन आई कैप प्लस बी टू जे कैप प्लस बी थ्री के कैप, तो डॉट प्रोडक्ट ऑफ दीज टू वेक्टर्स विल बी ए वन बी वन प्लस ए टू बी टू प्लस ए थ्री बी थ्री। नोट कर लेंगे, ए वन बी वन प्लस ए टू बी टू प्लस ए थ्री बी थ्री। बेटा देखिए, ये क्वेश्चन आपके सामने है, यहां पर हमको कहा गया है कैलकुलेट दी डॉट प्रोडक्ट ऑफ दीज वेक्टर्स, ए डॉट बी कैलकुलेट करिए। बेटा सिखा चुका हूं आपको अभी, ए वन बी वन प्लस ए टू बी टू प्लस ए थ्री बी थ्री वो रहा ऊपर। बेटा अगर ए वेक्टर है ए वन आई कैप प्लस ए टू जे कैप प्लस ए थ्री के कैप, है ना, और बी वेक्टर है बी वन आई कैप प्लस बी टू जे कैप प्लस बी थ्री के कैप, ए वन आई कैप प्लस ए टू जे कैप प्लस ए थ्री के कैप डॉट बी वन आई कैप प्लस बी टू जे कैप प्लस बी थ्री के कैप क्या होता है, ए वन बी वन प्लस ए टू बी टू प्लस ए थ्री बी थ्री। अभी एक ही मिनट पहले बताया, उसी को यूज कर रहा हूं। टू इंटू वन, थ्री इंटू टू, फाइव इंटू थ्री, बेटा 2 into 3 6, 5 into 3 15, very good। ये कितना आ जाएगा 2 6 8, 8 और 15 23, this is the answer। इसके लिए करेंगे बेटा बहुत ही सिंपल है, 2 into 2 4, a dot b लिख देता हूं पहले मैं। इसके लिए 3 into minus 3 minus 9, 4 into minus 4 minus 16, ये क्या निकल के आ रहा है प्यारे बच्चों, 4 9 16 25 minus 4 होगा 21 minus 21, ठीक है। और यहां क्या निकल के आ रहा है प्यारे बच्चों, देखेंगे ध्यान से, यहां आ रहा है 2 इंटू वन टू ए डॉट बी, 2 इंटू वन टू, और यहां पे माइनस 3 इंटू माइनस 1 3, और 1 इंटू 2 इंटू वन टू, है ना, माइनस 3 इंटू माइनस 1 3, और 5 इंटू 1 5, ये कितना आ गया प्यारे बच्चों 10। आइए एक एग्जांपल और ले लेते हैं, एक एग्जाम्पल और लिख दे रहा हूं, जहां पर ए वेक्टर है उसी को ले लेता हूं, टू आई कैप माइनस थ्री जे कैप प्लस के कैप, माइनस ले लेता हूं, कुछ चेंज कर देते हैं, ठीक है। और बी वेक्टर क्या था बेटा, आई कैप प्लस जे आई कैप माइनस जे कैप प्लस फाइव के कैप, ठीक है। आई इसमें ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर क्या निकल के आएगा बताएंगे जरा जल्दी से, ये चौथा इलस्ट्रेशन है, ठीक है। टू इंटू वन टू, माइनस थ्री इंटू माइनस वन थ्री, माइनस वन इंटू फाइव माइनस फाइव, ये क्या आ रहा है बेटा जीरो। अब ये क्या क्या बेटा, आप देखो मैंने आपके सामने चार एग्जाम्पल ले लिए, आई होप बड़े आराम से आप डॉट प्रोडक्ट निकाल पाएंगे, पर बेटा मैं आपको ना याद दिलाना चाह रहा हूं, डॉट प्रोडक्ट का मतलब पता है क्या होता है, ए बी कॉस थीटा, ए बी कॉस थीटा, ए का मैग्नीट्यूड इंटू बी का मैग्नीट्यूड इंटू कॉस थीटा। तो ये जो बेटा अलग अलग नंबर्स निकल के एक बार 23, ये पता क्या बता रहा है, पॉजिटिव पता कब होगा, मैग्नीट्यूड है, मैग्नीट्यूड भी हमेशा पॉजिटिव है। कॉस कब पॉजिटिव होता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में, नेगेटिव कब होता है, सेकंड क्वाड्रेंट में। तो इसका मतलब एक्यूट एंगल होगा तो कॉस पॉजिटिव होगा, ऑब्ट्यूस एंगल होगा तो कॉस नेगेटिव होगा। इसका मतलब ए और बी में यहां पे एक्यूट एंगल है, ये मैं कह सकता हूं। यहां पर ए और बी में ऑब्ट्यूस एंगल है, ये मैं कह सकता हूं। यहां पे ए और बी में एक्यूट एंगल है, मैं ये कह सकता हूं। और यहां पर मैं कह सकता हूं ये दो वेक्टर जो हैं वो परपेंडिकुलर हैं क्योंकि कॉस 90 जीरो। इसका मतलब अगर कोई कहे कमेंट करने को तो ये दोनों वेक्टर के बीच में जो एंगल होगा वो एक्यूट होगा, इसमें भी एक्यूट होगा, इन दोनों वेक्टर के बीच में भी क्या एंगल होगा, एक्यूट होगा। अच्छा, इन दोनों वेक्टर के बीच में क्या एंगल होगा,
ऑब्ट्यूस होगा क्योंकि नेगेटिव आ रहा है ए डॉट बी बेटा, और यहां पर क्या निकल के आ रहा है जीरो, तो बेटा कॉस 90, ये दोनों वेक्टर क्या होंगे बेटा परपेंडिकुलर होंगे, ये दोनों वेक्टर क्या होंगे परपेंडिकुलर होंगे। तो बेटा अगर डॉट प्रोडक्ट निकल के आता है पॉजिटिव, इसका मतलब वेक्टर्स के बीच में एंगल क्या होगा एक्यूट, और डॉट प्रोडक्ट निकल के आता है नेगेटिव, इसका मतलब एंगल बीच में क्या होगा ऑब्ट्यूस, ये जो एंगल आएगा ये ऑब्ट्यूस आ जाएगा, और डॉट प्रोडक्ट निकल के आता है जीरो, इसका मतलब एंगल क्या होगा बीच में 90। बोलो आया है ना बेटा, देखिए इतनी करतबबाजी कर रहे हैं, कोशिश करो बेटा, हंस लो, थोड़ा सा सीख लो, साथ में पढ़ लो बहुत ध्यान से। तो बेटा मैंने आपको सिखा क्या दिया है, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर होता है ए बी कॉस थीटा, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर होता है ए बी कॉस थीटा, पॉजिटिव आएगा जब थीटा एक्यूट है, नेगेटिव आएगा जब थीटा ऑब्ट्यूस है। जब भी अगर कहेंगे ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, ए वेक्टर बी वेक्टर दे दे, पूछ ले एंगल एक्यूट है ऑब्ट्यूस है, कैसे बताएंगे, अगर ए डॉट बी, अगर ए डॉट बी पॉजिटिव आएगा तो एक्यूट एंगल होगा, ए डॉट बी नेगेटिव आएगा तो ऑब्ट्यूस एंगल होगा, ए डॉट बी जीरो आएगा तो दो वेक्टर्स परपेंडिकुलर होंगे, उनके बीच में एंगल 90 डिग्री होगा, है ना। आई होप यू अंडरस्टूड, खटाक से नोट करिए, और पेन लगातार चलना चाहिए, अगर पेन नहीं चलेगा बेटा दिमाग नहीं चलेगा, दिमाग कहीं और चला जाएगा, लेट के नहीं देखेंगे वीडियो, बैठ के देखेंगे, बैठिए बैठिए फटाफट बैठिए, शाबाश शाबाश, नोट करेंगे बेटा। ये क्वेश्चन है आपके सामने, इसमें कहा गया है कैलकुलेट द डॉट प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग वेक्टर्स, बेटा ये दोनों का डॉट प्रोडक्ट कर रहे हैं, एक का मैग्नीट्यूड 4 है, एक का मैग्नीट्यूड 3 है, बीच में एंगल 60 डिग्री है, जब टेल टेल को इनसाइड करती हैं यही होता है एंगल बिटवीन दी वेक्टर्स। तो इसके लिए क्या आंसर आएगा, 4 इंटू 3 इंटू कॉस 60, कॉस 60 होता है हाफ, तो क्या बन जाएगा बेटा 6, क्यों, क्योंकि 12/2 6, ये तो हो गया पहला। इसमें बेटा एंगल क्या होगा, ये होगा या ये वाला, एक के डायरेक्शन से दूसरे में घूमने के लिए कितना टर्न करना पड़ता है, दैट इज एंगल बिटवीन दी वेक्टर्स, दैट इज पहले टॉपिक को यूज करके क्वेश्चन बनाया है। तो यहां पर क्या आएगा बेटा 10 × 10, और एंगल बिटवीन दी वेक्टर्स जब हेड टेल को इनसाइड करते हैं तो बाहर वाला होता है, इंटू कॉस 60, ये क्या आ जाएगा बेटा 50 आंसर आ जाएगा, क्योंकि कॉस 60 हाफ होता है। थर्ड वाले में क्या आएगा बेटा 90 है, 90 होता अभी बताया था, डॉट प्रोडक्ट क्या आएगा जीरो, क्योंकि कॉस 90 क्या होता है जीरो, 8 × 6 × cos 90 जीरो, आंसर क्या आएगा जीरो। फोर्थ वाले में 2 × 3 × cos 180, और cos 180 प्यारे बच्चों क्या होता है -1, तो आ जाएगा -6। इस केस में क्या आएगा बेटा, एंगल है 120, एंगल क्या है प्यारे बच्चों यहां पे 120, तो 10 फिफ्थ वाले के लिए इंटू 10 इंटू कॉस ऑफ एंगल बिटवीन 10 और 10, क्या बन जाएगा प्यारे बच्चों बताएंगे फटाफट से, शाबाश, क्या बन जाएगा 10 × 10 × cos 120, कॉस 120 क्या हो जाएगा कॉस ऑफ 180 − 60, ये क्या बन गया 100 × −cos 60, −cos 60 बेटा ये हो गया हाफ, क्या जाएगा बेटा -50, क्या जाएगा प्यारे बच्चों -50, है ना, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 5, प्लीज नोट कर लेंगे, बहुत ही सिंपल है बेटा, सारे के सारे क्वेश्चंस सिंपल ए बी कॉस थीटा पे बेस्ड है बेटा, दो वेक्टर गिवन है, ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड, कॉस ऑफ एंगल बिटवीन ए एंड बी, नोट करेंगे फटाफट से, शाबाश। आइए कुछ नए क्वेश्चंस करते हैं बेटा, ये जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन आपके सामने रहा बेटा, एक बार देख लेंगे बेटा, इफ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर आर परपेंडिकुलर कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ एक्स, है ना, पहला क्वेश्चन ये है बेटा, इफ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर आर परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर होंगे तो ए डॉट बी क्या आएगा, बोलेंगे बोलेंगे शाबाश शाबाश, क्या आएगा जीरो, कैसे, ए बी कॉस 90, कॉस 90 क्या होता है जीरो, तो क्या बन जाएगा बेटा ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर एक्स -2 −1, क्यों x into 1, -2 into 1, 1 into -1, 0, x क्या आ गया बेटा 3, आंसर बहुत ही सिंपल है यार, डॉट प्रोडक्ट 0 करना है, x निकालना है, ये सबसे लेकिन कॉमन क्वेश्चंस होते हैं जो ज्यादातर पूछे जाते हैं, परपेंडिकुलर पे ही क्वेश्चन सबसे ज्यादा आता है। इसमें पूछा है इफ ए एंड बी वेक्टर आर पैरेलल, हालांकि ये डॉट प्रोडक्ट से रिलेटेड नहीं है, पर मैं बेटा बस आपको इतना ही कहना चाहूंगा, अगर ए और बी पैरेलल है
है ना। तो बेटा इसका मतलब क्या होगा बेटा, पैरेलल वेक्टर कब मिलता है जरा जल्दी बताएंगे। पैरेलल वेक्टर तब मिलता है जब एक वेक्टर को किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर देते हैं, जब एक वेक्टर को किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर देते हैं उसी डायरेक्शन में मिलता है ना। अगर स्केलर से मल्टीप्लाई कर दे तो क्या मिलता है बेटा, सेम डायरेक्शन में। क्या मिलते हैं, सेम डायरेक्शन में। तो इसको अगर मैंने दिख रहा होगा 3 से मल्टीप्लाई किया, 1 को यहां पर भी 3 से मल्टीप्लाई किया, तो 2 को भी 3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या मिलेगा बेटा, 6। क्या मिलेगा, 6। बस सिंपल सोचो ध्यान से कि इसको एक स्केलर से मल्टीप्लाई किया तो ये भी पक्का है कि ये भी एक सेम स्केलर से मल्टीप्लाई किया होगा बेटा। अगर 3 से मल्टीप्लाई करूंगा पूरे वेक्टर को तभी तो सेम डायरेक्शन में आएगा। तो खाली एक टर्म देख लो, अगर मान लो ये भी पूछा होता साथ में, मान लो ये कहते हैं वाई है, तो इसको अगर 3 से मल्टीप्लाई किया तो 2 × 3 ये भी 6 हो गया और 1 × 3 ये 3 हो गया वाई। वाई क्या हो जाएगा बेटा, 3। इस तरीके से बड़े आराम से आप सोच सकते हैं। या बेटा आपको सिंपल बताऊं, अगर कोई कह दे ए वेक्टर a1i कैप + a2j कैप + a3k कैप है, ठीक है, और बी वेक्टर b1i कैप + b2j कैप + b3k कैप है, तो बेटा इसका मतलब पता है क्या है बेटा, अगर ये पैरेलल है तो इसको एक किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई किया तो b1 / a1 वो कांस्टेंट हो जाएगा। मान लो 2 से मल्टीप्लाई किया तो b1 / a1 2 ही आएगा, b2 / a2 भी वही 2 आएगा और b3 / a3 भी वही 2 आएगा। तो बेटा अगर परपेंडिकुलर, अगर पैरेलल है तो ये कंडीशन होल्ड करनी चाहिए। या आप डायरेक्टली सोच लीजिए, जैसे यहां पे 3 से मल्टीप्लाई किया तो इसको भी 3 से ही मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 आएगा, इसको 1 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 आएगा। आप इस तरीके से सोच सकते हैं। तो पैरेलल परपेंडिकुलर के इस तरीके क्वेश्चन आएंगे, हो सकता है, मेरे को लग रहा है कि शायद आपको समझ में आ गया, आप कर पाएंगे। बस अब आप क्या करेंगे, एक बार नोट कर लेंगे। बीच बीच में अगर मैं नहीं भी कहता हूं नोट करने के लिए तो स्क्रीन को पॉज करें और नोट करें, फटाक से नोट करेंगे, 2-3 क्वेश्चन और करेंगे। आइए बेटा 2 क्वेश्चन आपके सामने और हैं, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है बेटा। यहां पर कहा गया है प्यारे बच्चों कि 2 वेक्टर्स हैं, इनके बीच में एंगल बताइए, इनके बीच में एंगल बताइए। तो बेटा यूज क्या करेंगे बेटा, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल्स टू ए बी कॉस थीटा। बेटा ये क्या बन जाएगा, ए डॉट बी क्या आएगा, -1 × 2 − 2 × −3 − 6 × 6 = 12। ये तो आ गया ए डॉट बी, है ना, बहुत सिंपल है। मैग्नीट्यूड ए √1² + 2² + 2² मैं जान रहा हूं ये 3 बन गया है, मैंने जान के कैलकुलेशन ही ऐसी दी है, 4 × 4 = 8 = 9 का अंडर रूट 3। और ये क्या बन रहा है, 2² + 3² + 6² 2² 4 हो गया, 3² 9 हो गया, 6² 36 हो गया। और ध्यान से देखिए 13 और 36 क्या हो जाएगा बेटा, 49। उसका अंडर रूट क्या होता है बेटा, मल्टीप्लाई में साथ में कॉस थीटा भी आना चाहिए, नीचे लिख देता हूं। ये क्या है बेटा 7, ये क्या है 3, और इधर क्या है बेटा 12 − 6 = 6 − 2 = 4। तो cos थीटा क्या आ जाएगा प्यारे बच्चों, 4/3 × 7 तो क्या बन जाएगा बेटा, 4/21। तो बेटा अगर हमको वैल्यू नहीं पता होती, तो मैंने आपको ट्रिग्नोमेट्री में ये बात बता दी थी, तो हम कैसे लिख देते हैं, थीटा इक्वल टू cos इनवर्स 4/21। बेटा बिल्कुल ही सिंपल है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। जब भी मेरे से कहा जाएगा एंगल बताइए, डॉट प्रोडक्ट का क्वेश्चन होगा, यूज क्या करेंगे, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर ए बी कॉस थीटा, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर ए बी कॉस थीटा। ए का मैग्नीट्यूड √1² + 2² + 2², बी का मैग्नीट्यूड √2² + 3² + 6² × cos थीटा, ठीक है। तो बेटा यहां पर आप कॉस थीटा निकाल लेंगे, बहुत ही सिंपल कैलकुलेशन, बहुत ही आसान तरीके से हम कर पाए हैं। डॉट प्रोडक्ट करने का तरीका, आई कैप के कोफिशिएंट को मल्टीप्लाई करो प्लस जे कैप के कोफिशिएंट को मल्टीप्लाई करो प्लस के कैप के कैप के कोफिशिएंट्स को मल्टीप्लाई करो। नेक्स्ट क्वेश्चन, आप स्क्रीन पॉज करके पहले वो नोट कर लीजिए फिर नेक्स्ट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड और बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड बराबर है, कैलकुलेट ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर। देखो चाहे तो आप लिख के कर सकते हैं, ओरली भी आंसर दे सकते हैं, 0 आएगा बेटा। क्यों, क्योंकि बेटा अगर ये 2 वेक्टर हैं जिनके मैग्नीट्यूड बराबर हैं, तो बेटा ए वेक्टर प्लस, अगर मान लो ये ए है और ये ए वेक्टर, ये बी वेक्टर, दोनों के मैग्नीट्यूड बराबर है, तो ये हो जाएगा ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर,
और ये क्या हो जाएगा, ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर, और पैरेललोग्राम जो है वो रोम्बस बन चुका है। और बेटा जब रोम्बस होता है, थोड़ी अपनी ड्राइंग थोड़ी बेकार है लेकिन शायद मैं आपको समझा पाऊंगा। ये देखिए ये बिल्कुल सही बन गया है कि बेटा ये ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है, और ये एक डायगोनल होता है ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, और ये होगा ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर। ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर की मुंडी ए वेक्टर की तरह होती है, और ये ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। और बेटा डायगोनल्स जो होते हैं बेटा रोम्बस के, वो परपेंडिकुलर होते हैं। ये ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर है, और ये ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर है, और बेटा बीच में एंगल 90 होता है, तो कॉस 90 क्या मिलेगा, जीरो। और अगर आप डायरेक्टली भी करेंगे तो ए डॉट ए मैग्नीट्यूड, ए मैग्नीट्यूड भी बराबर है, उसको कोई नाम दे देते हैं स्मॉल ए, तो मैग्नीट्यूड ए इंटू मैग्नेट, या तो ए कह लो आप, ए स्क्वायर जो आपका मन करे, ए डॉट ए तो ए स्क्वायर, क्योंकि ए ए कॉस जीरो कॉस जीरो वन, फिर माइनस ए डॉट बी, ए डॉट माइनस ए डॉट बी, फिर उसके बाद प्लस बी डॉट ए। बेटा ए डॉट बी और बी डॉट ए एक ही बातें होती है, ए बी कॉस थीटा या बी ए कॉस थीटा की फर्क पैंदा है ना, तो कहेगा बेटा प्लस बी डॉट ए है ना माइनस बी स्क्वायर। अब ए वेक्टर और बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड बराबर है इसलिए कट जाएंगे, ए डॉट बी और बी डॉट ए प्लस माइनस है वो भी कट जाएंगे, जीरो आ गया जीरो। यही मेरे को डायरेक्टली पहले भी मालूम था, ऐसे भी करके आ गया है ना। आई होप आपको समझ में आया होगा। बेटा ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर पैरेललोग्राम का एक डायगोनल होता है, और ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर दूसरा डायगोनल, दोनों बराबर है मैग्नीट्यूड में, तो ये पैरेललोग्राम एक रोम्बस हो गया, और रोम्बस के डायगोनल्स परपेंडिकुलर होते हैं, इसलिए कॉस 90 आएगा, बन क्या जाएगा प्यारे बच्चों, जीरो। क्या बन जाएगा, जीरो। डायरेक्टली भी दिख रहा था और वैसे भी दिख रहा है ए डॉट ए ए स्क्वायर, क्यों, क्योंकि ए ए कॉस जीरो कॉस जीरो वन कॉस जीरो वन। आई होप मैं आपको समझा पा रहा हूं है ना। ए डॉट बी नेगेटिव के साथ आ रहा है, ए डॉट बी पॉजिटिव के साथ आ रहा है, माइनस बी स्क्वायर, ए और बी का मैग्नीट्यूड बराबर है इसलिए कट जाएंगे, आया है ना। और ए डॉट बी माइनस बी डॉट ए ये क्या हो जाएगा बेटा, जीरो। क्या हो जाएगा बेटा, ये जीरो है ना। तो यहीं पे बेटा हमारे वेक्टर्स की समाप्ति होती है, खत्म होता है चैप्टर। हालांकि एक टॉपिक बचा है पर उसको हम वहीं पढ़ाएंगे ऑन दी नीड बेसिस, जहां पे रिक्वायरमेंट रहेगी, ताकि उसको हम अच्छे से आपको फील करा पाए है ना। तो आप पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, शीट सॉल्व करिए, शीट का सॉल्यूशन नेक्स्ट वीडियो में आपको मिल जाएगा है ना। तो आज के लिए इतना ही है, थैंक यू।